तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आनंद क्लासेस। ठीक है, तो इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। किसके? जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़ी है, शांता को व्यक्त करने वाली जितनी भी टर्म्स हमने पढ़ी है, उनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल पढ़ना है, ठीक है, उसको खुद वीडियो पॉज करके उसको खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना है, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन से देखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 22 ग्राम बेंजीन 112 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 में घुली है, तो बेंजीन एवं CCl4 के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करनी है अपन को। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, ऊपर क्या होता है, विलेय का भार अपॉन नीचे क्या होता है, विलयन का भार ग्राम में इनटू 100। तो अभी सबसे पहले अपन किसका बात करते हैं, C6H6 के लिए। बेंजीन के लिए क्या होगा द्रव्यमान प्रतिशत, इसका भार कितना दिया हुआ 22 अपॉन विलयन का भार कितना आएगा, टोटल विलयन का आएगा W 22 प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड का 144 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 144 इंटू क्या करेंगे 100। ठीक है, तो 22 बटा 144 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा 15.28%। ये कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना, ठीक है, मुझे पता है क्या करना। तो 15.28% आ जाएगा। अब बात करते हैं किसकी, कार्बन टेट्राक्लोराइड की द्रव्यमान प्रतिशत की। तो कार्बन टेट्रा टोटल कितना होगा 100, उसमें से बेंजीन का द्रव्यमान कितना परसेंट आ गया 15.28%। ठीक है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या होगा 100 माइनस 15%, तो इसको आप माइनस करोगे तो आएगा 84.84.72%। ये इसका आंसर है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 डेसीमोलर सल्फ्यूरिक अम्ल के जलीय विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। तो सल्फ्यूरिक अम्ल कितना दे रखा है 1 डेसीमोलर की, अपन को क्या बतानी है नॉर्मलता। तो एक बात बताओ, डेसी का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, डिवाइड बाय 10। तो यहाँ पे मोलारिटी कितनी है विलयन की, m/10, ये इसकी मोलारिटी है। तो ये कितने मोलर का सोल्यूशन है, 1/10 मोलर का H2SO4 का सोल्यूशन है। ठीक है, ठीक। अब देखो, मैंने बताया था आपको नॉर्मलता क्या होती है, मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। तो मोलारिटी तो कितनी है 1/10 इनटू एन फैक्टर। H2SO4 के लिए एन फैक्टर क्या होगा, H2SO4 एन फैक्टर क्या होता है अम्ल के केस में, कि वो कितना हाइड्रोजन दे सकता है। तो ये कैसे टूटता है, 2H+ और प्लस SO4-2, तो कितना हाइड्रोजन दे सकता है, ये 2। ठीक है, तो एन फैक्टर क्या होगा 2, तो ये 2 से 5 बार। तो नॉर्मलिटी क्या होगी 1/5 n, या फिर इसको कह सकते हैं 1/5। मोलारिटी के लिए क्या होता है मोल पर लीटर, और नॉर्मलिटी के लिए क्या होता है इक्विवेलेंट पर तुल्यांक पर लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3rd NaOH तथा H2O को मिलाकर 4% W/W विलयन बनाया गया। यदि विलयन का घनत्व 1.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो मोलरता मोललता एंड नॉर्मलता ज्ञात करो। ठीक है, तो क्या है, NaOH को किस में मिलाया, H2O में। H2O यहाँ पर विलायक हो गया, क्योंकि H2O जनरली सार्वत्रिक विलायक होता है, तो विलय कौन हो गया NaOH। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख रहा है 4% W/W, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 4% 4 ग्राम विलय और 100 ग्राम विलयन है, मैं बता चुका हूँ पहले आपको। ठीक है, तो NaOH कितना होगा 4 ग्राम, विलयन कितना होगा 100 ग्राम। तो एक बात बताओ, विलायक कितना हो जाएगा, विलयन में से अगर विलय घटा देंगे तो क्या आ जाएगा विलायक, विलायक क्या है यहाँ पे जल, विलायक का भार कितना आएगा 100-4 छिन्नमें ग्राम। ठीक, अब देखो इधर अपन को क्या ज्ञात करना है, मोलरता। सबसे पहले मोलरता, मोलरता क्या होती है, विलय के मोल अपन विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, बता चुका हूँ। तो सबसे पहले विलय के मोल ज्ञात करेंगे, तो विलय के मोल क्या होंगे, यहाँ लिख देता हूँ, विलय के मोल ग्राम में भार बट्टा अणु भार। तो विलय का ग्राम में भार कितना है अपने पास 4, और अणु भार कितना है, NaOH का अणु भार कितना होता है 40 होता है। ठीक है,
कैसा होता है 40, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो ये आता है 40। तो कितना आएगा ये 1/10 मोल, मोल कितना आ गया 1/10, ठीक है। और अपन को क्या चाहिए, विलयन का आयतन लीटर में, तो आयतन तो दे नहीं रखा लेकिन विलयन का क्या दे रखा अपन को, घनत्व। पर अपन को ये पता है कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होती है, घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो यहाँ से अपन आयतन निकाल सकते हैं, तो आयतन क्या हो जाएगा इक्वल टू एम अपॉन डी, द्रव्यमान बटा घनत्व। द्रव्यमान कितना है इसका, विलयन का द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम, और घनत्व कितना है इसका 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको ये बात पता होगी, एक सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है 1 ml के, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है ml के, ठीक है। तो ये क्या करूँगा, मैं डेंसिटी रखूँगा 1.5 ग्राम पर ml, और ये भी किस में था ml में, तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी ये ग्राम में, ग्राम से ग्राम कट गया, ये कितना आएगा 1000 पट्टा बटा 15, ये पॉइंट कट के एक जीरो यहाँ लग जाएगी, ठीक है ml, ठीक है। अभी ml में आया, ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, 1000 से, तो 1000 से अगर इसको पूरे को डिवाइड करेंगे तो 1000 कट जाएगा, बचेगा क्या 1/15 लीटर। तो आयतन क्या आ गया 1/15 लीटर। तो मोलारिटी में अपन वैल्यू पुट कर देंगे, मोल कितना आया था, मोल आया था 1/10 मोल, और आयतन आया था 1/15 लीटर। तो ये क्या हो जाएगा 15/10 इक्वल टू 1.5 मोल पर लीटर, या फिर 1.5 मोलर था, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। उसके बाद ये तो फर्स्ट हो गया, उसके बाद देखो सेकंड क्या है, मोललता। मोललता क्या होती है, विलय के मोल अपन विलायक का भार किसमें, किलोग्राम में। विलय के मोल अपन विलायक का भार किलोग्राम में, तो विलय के मोल तो कितना आ गया देखो 1/10 आए थे यहाँ से, NaOH के मोल कितना है 1/10, और विलायक का भार कितना है 96 ग्राम। 96 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे 1000 से, तो 96/1000 ये हो जाएगा किलोग्राम। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, ऊपर क्या जाएगा 100/96 मोल पर kg, या फिर इसको बोल सकते हैं 100, ये हो जाएगा मोल पर केजी, या फिर 100/96 मोलल स्मॉल m। उसके बाद क्या याद करनी है थर्ड क्वेश्चन में, नॉर्मलता। तो नॉर्मलता क्या होती है, मोलरता इंटू n फैक्टर। तो मोलरता कितनी आई अपने पास 1.5 m इंटू। NaOH के लिए n फैक्टर क्या होगा, NaOH क्या है, कितने OH माइनस आयन दे सकता है बेस, तो एक ही दे सकता है, तो n फैक्टर भी 1। तो ये क्या आएगी, तो इस केस में मोलरता और नॉर्मलता दोनों इक्वल आएगी, ठीक है, इक्विवेलेंट पर लीटर। इस केस में मोलरता और नॉर्मलता NaOH के केस में दोनों सेम आएगी, ये क्वेश्चन आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विलयन में बेंजीन का 30% कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हो तो बेंजीन के मोलन्स ज्ञात करने, ठीक है। बेंजीन किस में घुला हुआ है, CCl4 में, तो बेंजीन के मोलन्स ज्ञात करने। यहाँ क्या लिख रहा है 30% मतलब 30% W/W, इसका मतलब क्या है, बेंजीन का वेट कितना है, विलय है बेंजीन, बेंजीन कितना होगा इसमें 30 ग्राम, विलयन बेंजीन 30 ग्राम, बेंजीन कितने ग्राम विलयन में होगा 100 ग्राम विलयन में। विलयन में कौन कौन होगा, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसका वेट कितना होगा 100 ग्राम। तो एक बात बताओ, CCl4 का वेट कितना आ जाएगा, 100 में से 30 माइनस कर देंगे तो 100 माइनस 30 कितना आएगा 70 ग्राम, ठीक है। अपन को पता करना है बेंजीन के मोल संस, तो बेंजीन के मोल अंश क्या होंगे, बेंजीन के मोल अपॉन टोटल मोल, ठीक है, ये होगा बेंजीन का मोल अंश। तो बेंजीन के मोल क्या आएंगे, सबसे पहले बेंजीन का ग्राम में भार, तो बेंजीन का ग्राम में भार कितना है 30 ग्राम बट्टा बेंजीन का अणु भार कितना होता है 78, तो कितना आ जाएंगे 0.38 मोल,
ठीक है, उसके बाद टोटल निकाल ले तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के भी निकालने पड़ेंगे, तो एन ऑफ सी सी एल फोर क्या आएंगे, ग्राम में भार कितना है इसका 70, अट्ठा इसका अणु भार होता है 154, ठीक है, क्लोरीन का होता है 35.5 इंटू 4 प्लस 12 तो 154, तो ये कितना आएगा 0.45 मोल। अगर मैं इन दोनों को टोटल कर दूं तो टोटल मोल कितना आएंगे 0.38 प्लस 0.45 मतलब 0.83 मोल, ये आ गया टोटल मोल। तो यहाँ से अपन बेंजीन का मोल अंश निकाल लेंगे, एक्स ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन के मोल कितने 0.38 और टोटल मोल कितने 0.83 मोल, तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 0.45, ठीक है, बेंजीन के मोल अंश कितना आ गया 0.45। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20% W/W जलीय KI पोटेशियम आयोडाइड का घनत्व 1.202 ग्राम पर ml हो तो विलयन की मोलरता एंड मोललता बताइए, ठीक है, तो 20% द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा है KI का, उसका घनत्व दे रखा है, अपन को क्या फाइंड करना, मोलरता एंड मोललता। तो सबसे पहले क्या होता है, मोलरता देखते, देखो मोलरता क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन विलय के मोल अपन विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है, तो सबसे पहले विलय के मोल निकालेंगे। अब देखो यहाँ क्या लिख रहा है 20% W/W, इसका मतलब क्या हो गया 20 ग्राम KI 100 ग्राम जलीय विलयन में उपस्थित है, तो KI का भार तो कितना हो गया, विलय है ये 20 ग्राम हो गया, विलयन का भार कितना होगा 100 ग्राम, तो विलायक का कितना आ जाएगा 100-20 कितना आएगा 80 ग्राम, ठीक है, तो मोलरता क्या होगी, मोल अपॉन विलयन का आयतन लीटर में, मोल क्या होता है ग्राम में भार बट्टा अणु भार। अब देखो मोल इधर निकाल देता हूँ मैं, मोल क्या होता है ग्राम में भार बट्टा अणु भार, तो ग्राम में भार विलय का कितना आएगा 20, KI का अणु भार कितना होता है KI, पोटेशियम का होता है 39 प्लस आयोडीन का होता है 127 ग्राम पर मोल, तो ये कितना आ जाएगा 166 ग्राम पर मोल, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 166 ग्राम पर मोल, ये भी किस में था ग्राम में, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी मोल की 0.120 मोल, ठीक है, ये 0.120 मोल किसके आगे विलय के, और अपन को क्या फाइंड करना है विलयन का आयतन। अब एक बात समझो, आयतन क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है एम अपॉन वी, तो वी इक्वल टू क्या आएगा एम अपॉन डी, मास अपॉन डेंसिटी, तो आयतन किसका फाइंड करना अपन को विलयन का, तो डेंसिटी भी किसकी लेंगे विलयन की और मास भी किसका लेंगे विलयन का, तो विलयन का मास कितना है 100 ग्राम, डेंसिटी कितनी है इसकी 1.202 ग्राम पर ml, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 83.2 ml, आयतन किस में आ गया 83.83.2 ml, ये किस में मिलीलीटर में, तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे 1000 से, तो 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.0832 एम लीटर, ठीक है 0.0832 लीटर आ जाएगा, ठीक है, 1, 2, 3 जीरो आगे खिसक जाएगी, ये आ गया वॉल्यूम। उसके बाद देखो नेक्स्ट, अब मोलारिटी क्या होगी, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो मोल कितना है अपने 0.120 मोल, और वॉल्यूम कितना है अपने 0.0832 लीटर, ठीक है, तो ये क्या आ गई इसकी मोलारिटी, तो मोलारिटी इसको सोल्व कर लेना आप, ये आएगी लगभग 1.44 मोल पर लीटर, एक बार सोल्व कर लेना इसको, क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है 1.44 लीटर आएगी समथिंग, ठीक है मोल पर लीटर। उसके बाद क्या याद करना अपन को, मोलालिटी, मोललता, हिंदी में मोललता बोलते हैं, मोलालिटी, मोलालिटी क्या होता है, विलय के मोल अपन विलायक का भार किलोग्राम में,
तो विलेय के मोल तो कितना है 0.120 अपॉन विलायक का भार, विलायक का भार कितना 80 ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे 1000 से, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगी 1.5 मोल पर केजी, ठीक है, ये इसकी मोललता होगी। ये आपको ध्यान रखना है, देखो जब भी अपन को, अब मोललता क्या तापमान पर निर्भर करती है, मोललता तापमान पर निर्भर नहीं करती, तो जब भी इससे इसमें कन्वर्ट होना हो या फिर इससे कन्वर्ट होना हो तो अपन को डेंसिटी घनत्व की जरूरत हमेशा पड़ती है, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतने क्वेश्चन है, बाकी नेक्स्ट अपन आगे नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ठीक है, थैंक यू।